हाजिर हूँ लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। केंद्र सरकार द्वारा घर घर राशन की जो योजना थी उसे एलजी द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इस मामले में, इस संबंध में पहले केंद्र से नहीं पूछा गया, वहीं दूसरी ओर इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि इससे संबंधित जो फैसला है वो कोर्ट में अभी चल रहा है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। इसमें केजरीवाल सरकार बिल्कुल सही है। जब लोग पिज्ज़ा की डिलीवरी घर घर दे सकते हैं तो राशन की डिलीवरी क्यों नहीं दे सकते, जिनसे दो घरों को, गरीब लोगों को दो वक्त की रोटी आराम से मिल सकती है और जो इसमें धांधली होती है उसका होने का भी कम चांसेस है। दिशा विहीन व्यक्ति को एक ताकत मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो वो क्या होता है कि वो बर्बादी की तरफ ही देश को ले जाता है। ठीक है, आज वही टाइम चल रहा है कि दिशाविहीन लोगों को पावर मिल गई है। मैं पूरे सिस्टम को ही, आजकल सिस्टम आपको पता ही है, आपकी मीडिया में सिस्टम कौन है, मैं सिस्टम को कह रहा हूँ कि दिशाविहीन सिस्टम को पावर मिल गई है। यही कारण है कि आज जो आम आदमी के मुद्दे से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, आप एक बात मानिए, पिज़्ज़ा आपके घर आ सकता है, आप किसी भी चीज़ की डिलीवरी घर पे ले सकते हैं, लेकिन एक गरीब का जो राशन, आपने देखा होगा अभी हमारे मदर डेयरी के पास में 3 बच्चियाँ हमारी भूख से मर गईं, ये लानत है हम पे और आप पे, दोनों पे, पूरे समाज पे ये लानत की बात है जो 3 बच्चियाँ भूख से मर गईं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम ला रही है जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी, तो उसमें किसी भी तरह की अड़चन मेरे ख्याल से किसी भी सिस्टम के द्वारा हम नहीं लगा सकते हैं। और जो एलजी साहब हैं, इतने पढ़े लिखे और एक सिस्टम के सिस्टमेटिक काम करते हैं, वो अगर वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हवाला कोई भी होगा, चाहे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी हाई, बिल्कुल ही गलत है मैडम, बिल्कुल ही गलत है, अलोकतांत्रिक है। इसमें तो दिल्ली सरकार सही है क्योंकि सबको मिलना चाहिए, गरीबों को, जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं कईयों के पास है तो घर घर जाके गरीबों को राशन दे रहे, तो इससे बढ़िया स्कीम क्या हो सकती है। जब पिज़्ज़ा दारू आप घर तक पहुंचा रहे हैं तो राशन तो मिलना चाहिए गरीब आदमी को घर पे। देखिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा से ही होता है, जैसे आप भी जानते हैं ये सब पॉलिटिकल वो है, लेकिन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीजन सही था मेरे हिसाब से। केजरीवाल जी के बारे में क्या बोलें, कुछ भी तो है नहीं, और अब फ्री, हर चीज़ फ्री करके आदमी को आप हरामखोर बना रहे हैं, एक तरह से कामचोर बना रहे हैं। हर चीज़ फ्री कैसे होगी, फ्री होता पैसे लेते तो आज ऑक्सीजन होता, बेड होते, सब कुछ होता। दिल्ली का क्या हाल है आप लोगों के सामने ही है, वो ज़रूरी नहीं है, राशन की दुकानें हैं, ले सकता है आदमी जाके, इतना तो एफर्ट्स आदमी को करने चाहिए कि जाके दुकान से ले ले। घर घर पहुँचाने का क्या मतलब है, पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा के लिए यू हैव टू पे इट, आपको फ्री नहीं आता है, यू हैव टू पे इट, दैट इज़ अ फ्री थिंग। फ्री का मतलब कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता। तो लोगों का ये कहना है कि एलजी का ये फैसला सरासर गलत है। जब सरकार शराब और पिज़्ज़ा घर घर भिजवा सकती है तो लोगों के घर घर राशन का ये फैसला कैसे गलत हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, एबीएनएन न्यूज़ दिल्ली।